हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मित्रों। क्या है कि अभी सुबह सुबह का 1 बजे हैं और मैं अपने बगीचे में बैठा हूं। वैसे आप लोग मित्रों जो है आप जानते हैं कि शहर में बगीचा कहां देखने को मिलता है, लेकिन जो मैंने पार्क बना रखा है उस पार्क में हम बैठा हुआ हूं। अब हम बैठा था तभी मैंने सोचा कि एक चाय पिया जाए। मैडम ने कहा कि आप उस दिन तो भाई होटल में काफ़ी पी के आए हो, तो हम भी काफ़ी पियेंगे। अभी काफ़ी तो लाई, लेकिन हमारा देखो काफ़ी ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन ख़त्म होने की कगार पे है। और मैडम का काफ़ी देखो, इनका भी काफ़ी भरा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि या तो ये काफ़ी लेके आई हैं अपने में और मेरे में कम दी होंगी। अच्छा, एक ही जैसा कप है, कम दी होंगे, ये जल्दी जल्दी पी लेते हैं। तो मित्रों काफ़ी का हम लोग मज़ा ले रहे हैं, इसकी चुस्कियाँ ले रहे हैं। और आप लोग देखिए जो है मौसम बहुत सुहाना है, बहुत मज़ा आ रहा है मौसम देख करके ही जो है। हम सोचे कि चलो बाहर वीडियो बनावें। तो मित्रों मेरा 2 साल का लड़का है, मैंने उसको पकड़ा कि चल भैया वीडियो बना लाएं। उस ऊपर से जैसे नीचे ले गया, नीचे एक भाभी जी का दरवाज़ा खुला था, तो उसने बोला जो है आंटी जी घर में हैं। उसे बोलता नहीं है, मैंने पूछा भाभी जी घर में हैं, ताकि वो चला जाए अंदर। वो भाभी जी निकली, वो उन्हीं के साथ में उनके घर में घुस गया। अब भैया वीडियो बनाने की तलब तो मेरी जाती नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी काम करिए तो परिणाम की चिंता मत करिए कि परिणाम क्या होगा। अब मैंने काम तो शुरुआत कर दी है, ये इसमें करिया करिया का पड़ रहा है। कहाँ करिया है, काला नहीं है, वो कॉफी ही है। करिया कॉफी होती है तभी सफेद दिखाती है। अरे यार वो कॉफी डाली है ना, कहीं इकट्ठे हो गई। मित्रों सुविधा के लिए माफी चाहेंगे, इसमें काला काला अभी आपको अगर दिख पावे तो ये आपको दिख रहा होगा। आप लोग सोच रहे हैं मजाक के लिए कर रहा हूँ मैं, ये काला काला अभी बता रही है, काफी काला होता है। अब हम काफ़ी वाफी भैया देखे ना है, झूठ हम का बताएं। उस दिन बैंक मतलब क्या सुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं जो है, बैंक को जा रहा था मैं पैसे लेने के लिए। हमने कहा कुछ 100-200 रुपये 500 रुपये जेब में पड़ा रहा है, तो बैंक को जाते समय रास्ते में जो है एक दो सहपाठी मिल गए, कुछ फॉरेन से आए थे, तो मैं लेके चला गया उनको कॉफ़ी पिलाने अस्पताल। कहाँ क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कैफे जहाँ भी गए हो, मेरे को क्या पता कहाँ गए। हाँ कैफे में गए, मेरे को तो कभी ले नहीं गए कहीं पे मैडम। मैं भैया यही घर में अपने हाथ से ही बनाती हूँ, अपने हाथ से ही खाती हूँ और अपने हाथ का ही पीती हूँ। देखो गिर भी गई है ना, इनके भरोसे रहूँगी तो मैं खाने के लिए तो मेरा जो भी मन करता है बढ़िया। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, इनका इस्तेमाल करो, बनाओ खाओ मस्त रहो। हाँ हाथों का इस्तेमाल करो नहीं तो मतलब किसका इस्तेमाल करो। अब बात सुनिए जो है, तो मित्रों जो है देखिए, अब आप अपने हसीन वादियों में अगर आप अपने घर में बैठे हो, घर में जो है पार्क जैसा मौसम हो, तो बगीचा हमारा देखिएगा आप लोग, ये बगीचा है हमारा। तो बगीचे की इतनी अच्छी स्मेल आती है हमें, इसमें बहुत स्मेल आती है अच्छी। हमें इसमें किसी पौधे का नाम नहीं पता है, इसमें शांति एक पौधा है भैया, जब से ये आया है। शांति नहीं, सुख शांति, सुख शांति इसे कहते हैं। भैया हम जानवान ना पाते हैं, कौन हो रहा है ये वाला, ये सुख शांति भैया। अभी देखो ये सुख शांति आप देखिए, छोटा सा है, ये दिखा दो मित्रों को। ला मैं दिखाऊं बैक कैमरे से, हमें कुछ पता नहीं है बस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सुख शांति का पौधा। दिखाओ सही मेरे, हाँ सही तो दिखा रहे हैं। ये रहा, ये जब से आया है तब से घर में शांति ही शांति है, वरना तो ये रोज ही चिक चिक करते रहते थे। अच्छा मित्रों, इसमें क्या है कि शांति अभी, सुख शांति का पौधा बहुत छोटा है, तो सुख शांति बहुत कम रहती है। ये हमारा और इनका जो है बस केवल सुख शांति उतनी देर तक होता है जितनी देर वीडियो बनता है। बाकी आप लोगों से हम कहाँ कहें, आप लोग खुद समझदार हैं जो है। अच्छा ये सब बातें तो गई, बात की बात गई जो है। मित्रों क्या होता है कि जीवन में आप लोगों के संघर्ष आप लोगों के भी जीवन में लगा रहता होगा, दुनिया में काम भी बहुत होते होंगे, हमें देखना भी पड़ता है। भैया हम बताएं नहीं एक्सीडेंटली यूट्यूबर बन गए, और मैडम यूट्यूबर बनाने वाली मैडम हैं, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। देखो वीडियो ही बनाती थी, लेकिन अभी हमें पकड़ा देती हैं कैमरा के, तुम बनाओ। अगर हम सही से बताएं तो हमें कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है। सिखाया मैंने इनको, लेकिन तो ये तो मुझसे बड़े ऊपर चले गए, जब देखो तब शुरू हो जाते हैं। आप कैसे भी पहने हो, कैसी भी अवस्था में हो, ये बस कैमरा ऑन करके शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों क्या है कि ये मैडम ये कहती हैं इसके लिए ऐसा कमरा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ये चीज़ होना चाहिए। ऐसा घर तो नहीं कहा मैंने, लेकिन कम से कम थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड होके जब वीडियो के सामने लोगों के सामने जाओ। ये कहते हैं बस जो है वो है, ये सब जो देखने वाले दर्शक हैं ये सब अपने हैं, ये घर के भाई बहन माता पिता और सब कुछ हैं जो है, तो इनसे हम का छिपावें। ठीक है मित्रों, हम आपको बहुत बड़ा दिखा दें, हम जाके होटल में बना लावें वीडियो, तो उससे फ़ायदा क्या है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो इसको रियलिस्टिक होनी चाहिए,
हमें ये लगता है कि आप क्या है, बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, हमें उस रील को नहीं पसंद है। आप रील बनाइए, रील तो अपने आप लोग बनाना पसंद कर बनाना शुरू कर देंगे। मैडम क्या है, ये रील पे विश्वास करती हैं इनका। अगर आप जो है क्या देखोगे, एक और कुछ चलता है फेसबुक का, चलता है कुछ इंस्टा, हाँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो ये क्या पूछना है इनका, लहराते हुए जहराते हुए क्या पूछना है। इन असली बात है, मैं बताऊँ आपको, इनको आता ही नहीं रील बनाना, तो करेंगे क्या? इनसे कह दो भी लिप सिंक कर दो तो कर ही नहीं पाएंगे। ये बिना लिप सिंक के भी आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं। लिप सिंक क्या, ये तो खुद ओरिजिनल वॉइस है ना, किसी दूसरे की वॉइस पे करो भैया। फिर मित्रों मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ में कभी भी, आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसा अचीवमेंट अचीव करिए कि लोग आपकी लिपसिंग करें। ये नहीं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपके अंदर ये प्रतिभा तो है लेकिन आप वो नहीं बन सकते। हमने कहा मुझे वो बनना भी नहीं है, मेरा प्रयास तो ये होगा। देखो मैं टारगेट जो भी है, टारगेट तो कभी अचीव नहीं होता है मेरा तो मित्रों कभी कभी आ जाता है, जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, तो टारगेट मेरा कभी अचीव ही नहीं होता है। तो मैं जब अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाता हूँ तो मैं इस टारगेट की भी चिंता नहीं करता हूँ। खैर ये किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं, ये इतने कूल इंसान हैं कि मतलब घर में कुछ भी हो रहा हो, कोई सामान हो ना हो, बच्चों के लिए कुछ करना, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के चलते हैं। तो तुम सारा टेंशन इनके हिस्से का भी मैं ही ले लेती हूँ, क्या करूँ, दो में से किसी को तो लेना पड़ेगा ना। भैया हम आध्यात्मिक आदमी हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तुलसी भरोसे राम के निश्चित होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। और फिर कृष्ण में भगवान ने गीता में लिखा है कि जो है क्या है, उन्होंने लिखा है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, अब कर्म करिए। अब हमारा कर्म क्या है, अब हम यूट्यूबर जी महाराज बन गए हैं। अब आप लोगों का प्यार और स्नेह इस तरह उस पर बरस रहा है कि हम चाह कर के भी आपसे 12 घंटा दूर नहीं हो पाते। लोग कहते हैं वीडियो डाल के बाद में हफ्ता 10 दिन रहन दो, हैं मैडम भी कहती हैं तुम बहुत बनाते हो वीडियो, बहुत बनाते हो। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसका इंतज़ार करते रहते हो कि अभी आए नहीं यूट्यूबर जी महाराज का वीडियो, तो इसलिए जो है अभी मैडम ने कहा कि ये काफ़ी मैं बना रही हूँ आज। अब चूँकि मित्रों में काफ़ी पी के आए थे, मैडम ने कहा कि आपने अपनी काफ़ी जब बनाई, काफ़ी नहीं होता है कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी नहीं कॉफ़ी, नाटक मत करो, ये जानबूझ के काफ़ी कर रहे हैं मित्रों। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम काफ़ी ना पिए हैं, हम काफ़ी ना, पता नहीं कितनी बार तो मैं ही बना के लाती हूँ। तो वो काफ़ी कहाँ होता है, कप भर में होता है वो, कहाँ काफ़ी होता है यार? कप भर में नहीं तो क्या गिलासा में होता है कॉफ़ी? जब काफ़ी नहीं तब क्या काफ़ी भैया, काफ़ी हम ना पिए, झूठ का बताऊँ हम तुमसे, ये भी बता रहे हैं काफ़ी हमें एक घूंट लगा, हमें गर्म थोड़ा पसंद भी है। अब इस कहाँ है कपा, हमें दिखाओ तो कपा हम दिखाएं मित्रों, मेरा कप दिखा दो, तुम्हारा नीचे रखा है मित्रों। अब इसमें बताओ अब काफ़ी कौन कहेगा, अब इनका चूंकि भरा हुआ है गिलास अभी भी है इनका, तो इनका काफ़ी है। अगर आप हमारी बात करोगे हम भी अपना दिखाएंगे आज। अब मित्रों अगर मेरी बात करोगे, मेरा खत्म हुए 1 घंटा हो गया, इसमें करिया करिया पता नहीं का भरा। अरे करिया करिया नहीं यार, वो कॉफ़ी ठीक से मिली नहीं है। हाँ अब वो काफ़ी डाल दिया था ना, स्पून से चलाया नहीं। अब हमें तो ये कम लगा, इससे बढ़िया तो हमारा चाय है। अब उस दिन दुकान वहाँ जहाँ रेस्टोरेंट होटल में गए थे भैया, वहाँ पे जब काफ़ी कहे लोग तो हम देखे वहाँ पे बड़ा कटोरा जैसे जो है एक कप था, कटोरा जैसे वो इतना बड़ा वाला मग। हाँ तो क्या कहते हैं उसे, कॉफ़ी मग बोलते हैं उसे। अब भैया जो है लेकिन काफ़ी हमें वो भी नहीं लगा, लेकिन अब यह चाय से बड़ा लगा तो हम कहे काफ़ी है। अब जब हम वो काफ़ी मग लिए तो हमें जो है, और कई सारी मैडम भी साथ में थी हमारे, कोई फॉरेनर्स भी आए थे, फॉरेनर्स तो मजाक में हम लोगों ने हिंदुस्तानियों को बना दिया था उसमें, ठीक है। अब उन लोगों ने बताया कि ये काफ़ी है, हमने कहा हमारे लिए तो ये काफ़ी नहीं है। अब हम गए भैया 3-4 बार पिए, अब 3-4 पिए, जो गार्ड बैठा था वहाँ पर वो बार बार मुझे देख रहा है, कह रहा है बाबू जी आप काफ़ी पी रहे हो। हम कहा भैया इसका नाम ही काफ़ी है, और हमें यही बोल के यहाँ पे लाया गया है कि आपको काफ़ी पिलाएंगे। अब हम चाय से तो पिलेंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे तो क्या मतलब, 4-5 मग कॉफ़ी पी जाओगे तब काफ़ी, हम कॉफ़ी पीने वहाँ का करने जाएंगे, हम जब एक कप हमें पीना होगा तो हम काफ़ी जो है कहाँ पीने जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा होटल भैया, अब वो तो मानो विदेशी लोग थे जो है, पैसा कौड़ी वही दे दिए जो है, हमें उसका चिंता ना थी। लेकिन आप लोग भी अपने हंसते मुस्कुराते रहिए, ये देखिए हंसी वादियाँ हैं, बहुत अच्छा मौसम है मित्रों, बहुत अच्छा। ये देखिए हमारे यहाँ एक प्लांट है, वो इसकी लीफ है, ये इतनी खुशबू करता है कि इसमें कोई पूल्स नहीं आते हैं,
बस फूल्स नहीं, मतलब फूल नहीं आते, कोई फ्लावर नहीं आते। और आप इसे ऐसे टच करके, और अगर आप हैंड को अपने नोज के पास ले जाओगे, ये वाला दिखाओ ना, ये वाला इतनी खुशबू करता है कि ये क्या ही बताऊं मैं। हालांकि मुझे इसका नाम नहीं पता, जब मैंने इसे परचेज किया था ना तो उसने बताया था, पर क्यों इसका ग्रीन प्लांटो नहीं है, ग्रीन प्लांटो। तो अगर आप लोग को मालूम हो इसका नाम तो आप लोग कॉमेंट में बताइएगा मुझे प्लांट का क्या नाम है। ये बहुत खुशबू देता है, इवन आप इसे हल्का सा भी अगर ऐसे टच कर लोगे और उसके बाद अपना, हाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। मित्रों बताया था पर याद नहीं है ना। मित्रों इसको ग्रीन प्लांटो कहते हैं, तो सारे ही ग्रीन प्लांटो है अरे इसको। तो मित्रों ग्रीन प्लांटो में इसमें खूबी क्या है कि ये हरा रहता है, हरा रहता है, हरे तो सब है। अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, हरा सब है। ये है कि आप इसे जहाँ भी लगाओगे वहाँ भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी, और अगर आपने इसे टच भी कर लिया, इवन टच क्या हो, ये हिल भी गया अगर हवा से, तो खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों देयर इज नो फूल इन दिस ग्रैंड प्लांटो बिकॉज हम लोग भी नहीं फूल है मित्रों, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग फूल बैठे हैं वहाँ पे तो उसमें फूल नहीं है तो उसमें फूल होगा। तो जस्ट चिल एंड एंजॉय योर हंसी वादियाँ। और ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बड़ा होने दे वीडियो हमें मित्रों, कुछ हमें जो है क्या है, हम दूसरा वीडियो आपको देंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो आई नो दैट यू विल कम, एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी आई नो, बट यू नो दैट व्हाट आई नो, ठीक है। सो तो प्लीज़ इन्जॉय दिस वीडियो एंड आप इसको शेयर भी किया करो ताकि जो है हम और बनाया करें। हम तो बड़ा धीमे बोलते हैं मित्रों, क्योंकि आप समझ सकते हो जो है धीरे समय से बोल रहे हैं ताकि कोई सुन ना ले। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।